अनुजी, सरसों को लेकर काफी इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के सामने आई है आज की। जो सेबी है, सेबी ने सरसों के कॉन्ट्रैक्ट कप सरसों फ्यूचर वायदा पर रोक लगा दी, जैसे कि पहले चने पर लगाई थी। नई पोजिशनें बनाने की मंजूरी नहीं दी गई है, हालांकि सौदे से निकलने की मंजूरी दी गई है और आज से ही तत्काल रूप से लागू हो गया है। आपको क्या लगता है, जब सरसों की कीमतें अच्छी खासी तेजी की तरफ और जा रही हैं और नई क्रॉप भी आने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही महीने का समय बाकी है, तो क्या ऐसे में सेबी का यह फैसला लेना ठीक रहेगा सरसों के ऊपर? देखिए, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंटेंशन जा रही है कि वायदा व्यापार की वजह से भाव ऊपर आ रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी भाव ऊपर आए या नीचे आए हैं वो सब फंडामेंटली के तौर पर आए हैं। जो एक्चुअल सिचुएशन जी है, हमें लगता है कि वायदा को बैन करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मार्जिन बढ़ाया जा सकता था या अगर कुछ स्टेप लिए जा सकते थे, मगर जी फिलहाल अगर हम देखें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो फेस्टिवल सीजन है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा। कहीं जिस तरीके से हमने पिछले में अच्छी अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अब नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन सामने है। तो जनरली फेस्टिवल सीजन में हम अच्छी बढ़त आते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि सरसों के भाव में आने वाले दिनों में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि जो वायदा बैन किया गया है वो जो स्टेप है, हालांकि सभी को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऑल्टरनेट स्टेप्स भी लिए जा सकते थे, कुछ टाइम दिया जा सकता था पार्टिसिपेंट्स को, जिससे कि वो अपनी पोजीशनें एग्जिट कर जाते। क्योंकि एकदम से अगर कुछ ऐसा फैसला निकल के सामने आता है किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, तो जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं अपनी पोजीशनें काटने के लिए, और नुकसान उठाना पड़ता है।